100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हर घर दस्तक के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एम के शर्मा ने सभी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि सिक्किम की 90% आबादी को वैक्सीन लग चुका है, फिर भी राज्य सरकार ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह सजग है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार सभी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्मॉल प्रोपोर्शन जो है एक पॉपुलेशन का, वो क्योंकि वो जो बाहर से जो काम करने लोग आए थे उन लोगों ने फर्स्ट डोज लगाया था, तो कई कई जगह पे डिफरेंट पॉकेट्स पे, तो वो लोग ट्रेसेबल नहीं हो रहे हैं। अब वो बैक जाके अपने स्टेट में वो वैक्सीन लगा रहे हैं या कोई दूसरा मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए हुए हैं, इसका हम लोग खोज कर रहे हैं और वो बहुत स्मॉल परसेंटेज है। और जो डिसेबल है और जो ओल्ड एज है उन लोगों के लिए कुछ नए योजना है वैक्सीनेशन के लिए? नहीं, वैक्सीन का तो हमने सबसे पहले जो भी दिव्यांगजन है और जो भी वयोवृद्ध लोग हैं उन सबों को हमने सबसे पहली चरण में उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए हम लोगों ने उनका वैक्सीन कराया हुआ है। और इसी तरह से और उनका ऑलमोस्ट सब कम्प्लीट ही है इस तरह से। और अभी तो क्या है कि देश भर में हर घर दस्तक की जो मतलब चल रही है प्रोग्राम, तो उसमें तो हम हर घर घर हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो आशाकर्मी हैं, जो भी स्वास्थ्य केंद्र के जो भी कर्मचारी हैं, वो सब लोग एक एक घर में जाके नॉक करके देख रहे हैं कि भाई कोई छूट तो नहीं किया, कोई आपका फैमिली मेम्बर कहाँ है, यहाँ है या वहाँ बाहर है कहीं है, तो वो लगाया कि नहीं लगाया, इस तरह से इसको अभी रैप अप हो रहा है।